औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। जी हाँ, देश की राजनीति इस वक्त किस दिशा में जा रही है वो समझ से परे है, क्योंकि नेता आजकल अपने वोटरों के हिसाब से राजनीति करते हैं। हर किसी को वोटरों को लुभाना है। देश की राजनीति को राजनेता धड़ों में अब बांट देना चाहते हैं, जो कि आने वाले वक्त में देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और सिर्फ खतरनाक ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी हो सकते हैं। जी हाँ, देश में इस वक्त सेलेक्टिव राजनीति करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बीजेपी उन्हीं मुद्दों पर बोलती है, उसके वोट बैंक को जो प्रभावित करता है। विपक्ष भी उन्हीं मुद्दों पर बात करता है जिससे उसका वोट बैंक प्रभावित होता है। अब देखिए, अयोध्या में सपा के नेता ने जो दरिंदगी बच्ची के साथ की, उसके बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी सबने चुप्पी साध ली। अयोध्या के सांसद तो बहके बहके से जवाब देते हुए नजर आने लगे। अखिलेश यादव ने उस बच्ची का डीएनए तक कराने की मांग कर दी। राहुल, प्रियंका तो कुछ बोल ही नहीं पाए। अब देखिए, इन नेताओं के लिए महिलाएं वही होती हैं जो इनकी राजनीति को सूट करती हैं। मतलब मणिपुर की महिलाएं इनके लिए महिलाएं हैं, धरने पर बैठी महिला पहलवान भी इनके लिए महिला हैं। लेकिन शायद अयोध्या में जिस बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, दरिंदगी हुई, वो महिलाओं की श्रेणी में इन नेताओं के लिए नहीं आती, क्योंकि अयोध्या के विवाद पर इन नेताओं का हलक सूख गया। अभी पिछले दिन महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रचते हुए दुनिया की चैंपियन खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मतलब विनेश ने एक मेडल पर मोहर लगा दी थी। वाकई में बहुत शानदार काम किया, देश की बेटी ने देश को गौरवान्वित करने का काम किया और विनेश फोगाट बधाई की पात्र हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बधाई भी दी, जैसे सब दे रहे हैं। अखिलेश ने विनेश को बधाई देते हुए लिखा, महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं, एक बहुत बड़ी मानसिक जीत भी है। उनके फाइनल में पहुंचने पर उनको और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई, फाइनल की जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक ही दिन में दुनिया की तीन धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है, जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नियत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का पूरा तंत्र धाराशाही पड़ा था, जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियन की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। राहुल गांधी के ट्वीट से राजनीति की बू साफ साफ आती है। मतलब विनेश फोगाट की जीत से वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये बेटी है तो फिर अयोध्या और संदेश खाली की महिलाओं के साथ अलग स्टैंड क्यों, उनके लिए आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक जगह आपका नेता फंसा है और दूसरी जगह आपका वोट बैंक नहीं है। और सिर्फ अखिलेश ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी शूटिंग में मेडल जीतने वाली मनु भाकर से बात की, लेकिन विनेश फोगाट के लिए ट्वीट तक नहीं किया। हालांकि उनके नेताओं ने जरूर बधाई दी, लेकिन ये जो सेलेक्टिव राजनीति देश में चल रही है वो देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में आरक्षण के बहाने एक धड़ा तैयार किया गया, वैसा ही एक धड़ा आरक्षण के नाम पर भारत में भी तैयार किया गया। राहुल गांधी कहते हैं, देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। शक्तिशाली देशों से भारत में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं, तो आज जो बांग्लादेश में हुआ, कल वो भारत में करने की या करवाने की कोशिश अगर की जाती है तो बहुत ज्यादा हैरान मत होइएगा, क्योंकि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं अगर आपको विनेश फोगाट के मुकाबले की अपडेट दें, बात करें तो विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है और विनेश फोगाट अपना फाइनल मुकाबला नहीं खेलेंगी। मतलब जिस मेडल पर विनेश फोगाट ने मोहर लगाई थी वो मेडल अब हिंदुस्तान में नहीं आएगा और विनेश फोगाट बिना मेडल के भारत वापस लौटेंगी। तो बाकी इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।